जय हिंद साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर इंडियन आर्मी से निकलकर आ रही है। 1.5 माह पहले हुई थी शादी, अभी मेहंदी छुट्टी भी नहीं थी कि उजड़ गया सुहाग। तिरंगे में लिपट कर आया सैनिक। बूंदी के हिंडोली उपखंड क्षेत्र के ग्राम हनुमानपुरा निवासी भारतीय सेना में तैनात कालू लाल नागर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में शहीद हो गए, जहाँ पर आर्मी के वाहन में हवा भरते वक्त टायर फटने से कालू लाल वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद से ही उनके पार्थिव शरीर को बूंदी लाने की तैयारी में सेना जुटी है। मंगलवार की सुबह सेना के विशेष वाहन से देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों के साथ शहीद जवान कालू लाल नागर का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा, जहां पूरे सेना सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जवान कालू लाल की शादी 1.5 महीने पहले ही हुई थी। उनके परिजनों का कहना है कि कालूलाल सेना के काम को हमेशा प्राथमिकता देता था, साथ ही कहता था कि सेना का काम भगवान की सेवा या पूजा समान है। जवान वर्तमान में सेना के डाइवर के तौर पर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में तैनात थे। हमें बताया गया है कि आर्मी के बेस कैंप में यह हादसा रविवार यानी कि 22 जुलाई की शाम को 5 बजे हुआ। सेना के ट्रक में कालू लाल हवा भर रहे थे, उसी दौरान टायर फट गया और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। जवान के शहीद होने की जानकारी मिलते ही पत्नी सुनते ही बोली, दुनिया उजड़ गई। बूंदी जिले के करवर गांव निवासी टीना से 1.5 महीने पहले ही 5 जून 2023 को ही कालू लाल का विवाह हुआ था। टीना और कालू लाल ठीक से जीवन भी शुरू कर नहीं पाए और कालू लाल शहीद हो गए। टीना वर्तमान में अपने पीहर करवर में ही थी, जहां पर उसे कालू लाल के शहीद होने की जानकारी मिली। टीना ने यह बात सुनते ही कहा कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। इसके बाद पत्नी टीना का रो रो कर बुरा हाल। भारत माता के वीर सिपाही कालू लाल सर को मैं उनकी सेवाओं के लिए सच्चा नमन करता हूं। वहीं इस दुख की घड़ी में वीर परिवार के लिए घेरी संवेदना।